क्वेश्चन में आपसे कहा गया है क्या, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर का, दो स्टूडेंट एक्स वाई, एक्स ने क्या काम किया, आर को इंक्रीज किया, एक्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, लेकिन वाई दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, इस एस की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ेगा बैलेंसिंग लेंथ पर। आर जब आप इंक्रीज करते हैं तो फिर ड्राइवर सेल का करंट कम हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट की वैल्यू कम हो गई, करंट की वैल्यू कम होने से पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू होता है आई रो डिवाइडेड बाय ए। जब करंट कम हो गई तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने से एल इज इक्वल टू होता है वी बाय के। जब k कम हो गया तो l की वैल्यू बढ़ेगी, यानी अब आपका बैलेंस पॉइंट लार्जर लेंथ पर आपको ऑप्टेन होगा। दूसरी बात आती है कि अगर s की वैल्यू में कोई चेंज किया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। s की वैल्यू में कोई चेंज अगर किया जाए, ठीक है, s की वैल्यू डिक्रीज की जाए या इंक्रीज की जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि s का इफेक्ट क्या है इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल पर। ये सेल का टर्मिनल वोल्टेज है, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री सेल का टर्मिनल वोल्टेज। अब सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, आप पहले ही जानते हैं किसी भी सेल का टर्मिनल वोल्टेज है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और I की वैल्यू कितनी होती है, E बाय कैपिटल R प्लस R इंटू R। ध्यान से देखिए, अगर आप ये कैपिटल R डिक्रीज करेंगे तो फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, I की वैल्यू इंक्रीज होगी, I इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज हो जाएगा, और अब आपको E में से लार्जर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी V फाइंड करने के लिए, तो V क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेल का अगर S की वैल्यू को डिक्रीज किया जाए। और फिर वही बात है, यहां देखिए L आपका क्या है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, अगर V टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझेगा, S की वैल्यू डिक्रीज करने पर बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, S की वैल्यू इंक्रीज करने पर बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो इतनी बात, लिखाऊं क्या इसको या क्लियर है, क्लियर है। ये पूरा सेटअप है एक्चुअली, कौन सा सेटअप, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल फाइंड किया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का पूरा सेटअप है। इसमें आपने कॉम्प्लीमेंट्री सेल को एक नया सर्किट बनाकर दे रखा है, जिस सर्किट में कॉम्प्लीमेंट्री सेल करंट भेज रहा है उस टाइम भी जब आपके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है तब भी इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल से कहीं ना कहीं कोई ना कोई करंट तो चल ही रहा है। समझेगा, उस करंट के कारण सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम ही रहेगा। अब जहां भी बैलेंस पॉइंट आ रहा है, ये बैलेंसिंग लेंथ ईएमएफ को नहीं बल्कि किसे बैलेंस कर रही है, टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ क्या है, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एस है, मैं आर की जगह यहाँ क्या लिख दूं, एस लिख दूं। जैसे जैसे आप एस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू कम हो जाएगी, आई की वैल्यू कम होगी, आई आर का प्रोडक्ट कम होगा, ई में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वी वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर है इतनी बात। और अगर आप एस डिक्रीज कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा फैक्टर इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगी, लार्जर वैल्यू आएगी आई इंटू आर की, और स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी किसकी, एल की। और बैलेंसिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं हम, वी इक्वल्स के एल, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर छोटा टर्मिनल वोल्टेज है तो कम लेंथ पर बैलेंस हो जाएगा, और अगर टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है तो ज्यादा लेंथ पर। एस की वैल्यू डिक्रीज करने पर क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ अब कम आएगी, थोड़ी सी कम आएगी बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, करना है इसे या आगे बढ़े, क्वेश्चन बताइए।